लोगों को लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं बीमार तो नहीं है, उनको इलाज की जरूरत तो नहीं है। ये सारी परिस्थिति बिहार में बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन तमाम जो हमारे नेता हैं, सभी लोग मिलकर जिस तरह विधान परिषद के चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, आगे के दिनों में पूरी तरह संगठन को और मजबूत करते हुए पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। बड़े ही गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मैं इसके लिए जनता, मतदाताओं को और दोनों निर्वाचित हमारे जो माननीय सदस्य आए हैं, इनको मैं विशेष तौर पर और गया के, मगध के, शाहबाद के इलाके के तमाम शिक्षकगण, तमाम ग्रेजुएट साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उनके मत के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी अपने इतिहास से अधिक को दोहराने का काम करेगी और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटों पर जीतकर बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। ये पूरी तरह देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का नेतृत्व है, जो पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कल ही हम लोगों ने 44वां स्थापना दिवस मनाया और हम लोग याद कर रहे थे कि कहां हम दो सदस्य के तौर पर 80 के बाद उभरे और आज 303 से अधिक सीटों पर लोकसभा में जीत कर गए। और आगे के दिनों में जिस तरह की स्थिति बनी है, गठबंधन के लोग बिहार में सत्ता में बैठे हैं और आदरणीय नीतीश बाबू से लोग थक चुके हैं, बिहार के लोग पूरी तरह थक चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं बीमार तो नहीं है, उनको इलाज की जरूरत तो नहीं है। ये सारी परिस्थिति बिहार में बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन तमाम जो हमारे नेता हैं, सभी लोग मिलकर जिस तरह विधान परिषद के चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, आगे के दिनों में पूरी तरह संगठन को और मजबूत करते हुए पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।